हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है सारा, और ये कपड़ा कॉटन का है फ्रेंड्स। तो इसकी अर्ज है जो 21.5 से 22 इंच यानी 44 इंच अर्ज है। तो देखिए ना, आप इस तरह से है, 42 इंच लेंथ है, 32 चेस्ट है, 28 कमर है और हिप 32 है, स्लीव 16 इंच है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम सबसे पहले लंबाई ले लेंगे। 2 लंबाई लेते हुए ये 9 इंच 18 इंच हम शर्ट का रखते हैं घेरा। तो उसके बाद हम लेंगे 2 इंच से 2.5 इंच ये हम तरपाई के लिए, और 4 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए, यानी 25 इंच टोटल कपड़ा लेंगे। 4 इंच हम प्लीट के लिए लेंगे और ऐसे 2 इंच लंबाई लेके हम फाड़ लेंगे कपड़े को और डबल तह लगा लेंगे। 4 फोल्ड करके रखेंगे फ्रेंड्स। 14 इंच कमर तक हमने ये डिज़ाइन बनाना है, तो यहाँ पर हमने 2 इंच लेना है। ये हमारा बॉक्स प्लीट आएगा यहाँ पर। फ्रंट बैक हमने दोनों तरफ बॉक्स प्लीट डालनी है, और ऐसे हम 2 इंच का सीधा ये ले लेंगे निशान। ये देखिए, इस तरह से प्लीट आ जाएगी। अब हमने ये एक्स्ट्रा हम कटिंग कर देंगे 2 इंच का। ये वेस्ट हो जाएगा हमारा कपड़ा। अब यहाँ से हमने 2 इंच छोड़ के तीरे की चौड़ाई लेनी है। ये कपड़े की कटिंग हम सबसे पहले कर लेते हैं, फिर हम माप लेंगे फ्रेंड्स, तो इजी हो जाएगा हमारा ड्राफ्ट करना। ये देखिए, हमने ये कटिंग कर दिया, ये प्लीट आ जाएगा हमारा। अब हम यहाँ से तीरा लेंगे 6.5 इंच, 6.5 इंच मोड़े की लंबाई लेंगे, गले की लंबाई 6.5 इंच लेंगे, और 2.5 से 3 इंच चौड़ाई लेते हुए हम शेप लगा लेंगे। ये 2.5 इंच लेते हुए ग्लास शेप हल्का सा आ जाएगा। तो अब यहाँ से 6.5 तीरा लेंगे, 6.5 इंच मोड़े की लंबाई, और यहाँ से 9 इंच पर हम चेस्ट की चौड़ाई लेंगे। यहाँ निशान लगाएंगे 9 इंच पर, ऊपर से अब 14 इंच पर हम कमर का निशान लेंगे। ये 2 इंच छोड़ते हुए हम 8 इंच पर निशान ले लेंगे। इस तरह से हम चेस्ट और कमर की शेप लगाएंगे। अब मोड़े से हम 13 इंच चाक का निशान लेंगे। ये 2 इंच हमने छोड़ देना है। यहाँ से हम 9 इंच हिप की चौड़ाई लेंगे। इस तरह से शेप मिलाएंगे फ्रेंड्स। ये मोड़े की गोलाई लेंगे फ्रंट और बैक की, 1/2 इंच अंदर करते हुए फ्रंट का लेंगे निशान। तो इस तरह से अब हम कटिंग कर लेंगे फ्रंट। पीछे का गला हम 1 इंच छोटा रखेंगे। आगे की कटिंग करेंगे। वेस्ट कपड़े की कटिंग कर देंगे फ्रेंड्स। स्लीव्स के लिए हम 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। सिलाई हक लेते हुए 4.5 या 5 इंच पर निशान लेंगे। 2 इंच का हम बॉक्स प्लीट डालेंगे। 17 इंच पर निशान लेंगे। 2.5 इंच की गुलाई लेंगे। 6.5 से 7.5 इंच पर निशान लेंगे। ये गुलाई करेंगे फ्रेंड्स इस तरह से। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे।
यहाँ पे 2 इंच की हम पट्टी डालेंगे फ्रेंड्स, बॉक्स प्लेट डाल के। तो ये देखिए हमने स्लीव्स का पहले पकड़ा है, बॉक्स प्लेट डाली है, ये हमारी बॉक्स प्लेट पड़गी सेंटर में, 2 इंच की पट्टी डालेंगे। अब ये हमने बॉक्स प्लेट डाल ली है फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम पहले ये देखिए इस तरह से हमने ये प्लेट डाल लेनी है खोल के कपड़े को। सेंटर की हल्की सी सिलाई लगा देंगे हम गले से, जहाँ तक बॉक्स प्लेट का हमारा निशान है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये सिलाई के बाद ची लेनी है और ये हमारी बॉक्स प्लेट पड़ गई फ्रेंड्स। इस तरह से हमने पिनअप कर देना है इसको, तो ये हमारी बॉक्स प्लेट पड़ गई है। ऐसे ही हमने पीछे की तरफ भी कर लेना है। ये सफाई के साथ हमने डाल लिया है। अब देखिए गले के लिए हमने 4 इंच चौड़ा लिया, लंबाई ली 14 इंच और 2.5 इंच नीचे लिया। तो इस पर हमने इस योक पर ऐसे जिग जैग लेस लगा लेनी है फ्रेंड्स। ये मैंने लगा ली है इस तरह से, ये सिंगल कपड़े पे लगाया है फ्रेंड्स मैंने। ये देखिए उल्टी तरफ से रखते हुए, ये अभी सीधे की तरफ दिखा रही हूँ मैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये योक लगा लेना है, गले पे सिलाई लगा लेनी है ऐसे सीधा करके, ऐसे फिनिशिंग करके पिनअप करके चारों तरफ, फिर पलट देंगे इसको सिलाई लगा के। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है फ्रेंड्स। अब मैंने पलट के इसको सीधी तरफ कर लिया है। ये बॉक्स प्लेट जहाँ आ रही है वहाँ पे सेट कर देना है सेंटर बना के, 1/2 इंच जिग जैग अंदर की तरफ चली जाएगी। इस तरह से सफाई के साथ मैंने ये योक लगा लिया है फ्रंट और बैक दोनों तरफ। स्लीव्स भी फ्रेंड्स इस तरह से तैयार कर लिया है। ये देखिए बॉक्स प्लेट सामने आ रही है। तो इस तरह से गला भी मेरा तैयार हो गया फ्रेंड्स। ये साइडों पे हम सिलाई लगा के स्लीव्स की स्टिचिंग कर लेंगे। साइड की चौक लुक लगा लेंगे, इससे हमारे कुर्ते फटते नहीं हैं। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा पूरा कुर्ता तैयार है फ्रेंड्स। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, मैं रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।